आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज मेरे हाथ में जो स्मार्टफोन है और जिस स्मार्टफोन का मैं कंपेयर करने वाला हूँ, ये दोनों ही बहुत ही प्रीमियम रेंज का स्मार्टफोन है और अभी तक का मार्केट का द बेस्ट स्मार्टफोन है। एक है आईफोन 11 और दूसरा है सैमसंग नोट 10। इन दोनों ही स्मार्टफोन में दोस्तों स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छे दिए गए हैं और फीचर्स भी भर भर के दोनों स्मार्टफोन्स में है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको इन दोनों फोन का कंपैरिजन वीडियो दिखाने वाला हूं और इस कंपैरिजन में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे आप कैमरा देख लेना या फिर प्रोसेसर देख लेना या बिल्ड क्वालिटी या बैटरी किसमें कितना है, किसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है, सारा कुछ मैं आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं सेम प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्टफोन परचेस करें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ही फोन का जो मार्केट प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है। आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 आफ्टर डिस्काउंट अभी जो मार्केट में आएगा वो अराउंड 64,000 का आएगा और आईफोन 11 भी आपको अराउंड 60-64 के बीच में आफ्टर डिस्काउंट आने वाला है। तो दोस्तों बहुत से लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 का जो मेजर फीचर्स है, जो हाइलाइटिंग फीचर्स है, वो इसका एस पेन है और आईफोन 11 अपने ब्रांड के लिए जाना जाता है। तो दोनों में ही कुछ स्पेशल है और लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि कौन सा फोन परचेस करें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा दोनों में से कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं और आपको मैं लेकर चलता हूं इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस आईफोन 11 के डिस्प्ले के बारे में। अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको IPS LCD रेटिना डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 6.1 इंच के साथ में आता है। वहीं अगर मैं आपको इस सैमसंग नोट 10 के डिस्प्ले के बारे में बताऊं, तो इसमें आपको 6.4 इंच का एमोलेड पैनल यूज किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरे फोन में जो आपको देखने को मिलेगा एक बिंदी के टाइप से इसमें फ्रंट कैमरा यूज हुआ है। इसमें आपको कहीं भी नॉच देखने के लिए नहीं मिलता है, तो व्यूइंग एंगल आपको नोट 10 में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और एमोलेड पैनल मार्केट का द बेस्ट पैनल तो है, ये सभी को जानते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले के बाद अगर मैं आपको आईफोन 11 के प्रोसेसर के बारे में बताऊं, तो इसमें आपको 4GB का रैम और 64 एंड 128GB वेरिएंट वाला स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। वहीं आपको नोट 10 लाइट में 8GB और 256GB का सिर्फ एक वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। दोस्तों प्रोसेसर के बाद अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरे के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 11 की। तो आईफोन 11 में आप देखोगे तो आपको पीछे के साइड में दो कैमरे देखने के लिए मिल जाएंगे और दोनों कैमरे इसमें 12 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है, जिसमें से 12 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर है और दूसरा जो 12 मेगापिक्सल यूज़ हुआ है वो वाइड एंगल के लिए यूज़ किया गया है। वहीं इसके फ्रंट साइड में जो कैमरा यूज़ हुआ है ये भी 12 मेगापिक्सल का यूज़ हुआ है। तो तीनों ही कैमरा जो आईफोन 11 का है वो 12 मेगापिक्सल का है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस नोट 10 के कैमरे के बारे में। अगर नोट 10 में आप पीछे के साइड देखेंगे तो आपको तीन रियर कैमरे देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से इसका प्राइमरी सेंसर जो है वो 16 मेगापिक्सल का है और बाकी के दो कैमरे इसका जो है वो 12 मेगापिक्सल का यूज़ हुआ है, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम और अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए काम में आता है। वहीं फ्रंट साइड में अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटी और डिस्प्ले के टाइप से इसमें आपको 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको मैं इसका कैमरा सैंपल अब दिखाता हूं, आप देखकर खुद जज कर लेना कि इसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है।
क्वालिटी देखने के बाद आपको थोड़ा तो आइडिया हो ही गया होगा कि किसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली कुछ भी नहीं बोलूँगा इसमें, क्योंकि दोनों का ही कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा। सम टाइम नोट 10 का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो कभी कभी आईफोन 11 का अच्छा लगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो दोस्तों, कैमरे के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों ही फ़ोन का बैटरी। बैटरी भी किसी भी स्मार्टफोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, तो मैं आपको अब बैटरी के बारे में बताता हूँ। आईफोन 11 में आपको 3110 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है विथ 18 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में। दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं नोट 10 की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, नोट 10 में जो बैटरी यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है 3500 mAh का विथ 25 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग। अगर आप पेपर पे देखोगे तो कैपेसिटी नो डाउट नोट 10 का बैटरी में ज़्यादा है, और सुपर फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है आईफोन 11 के सामने। लेकिन अगर आप डेली यूज़ करोगे तो डेली ड्राइवर में आपको आईफोन 11 ज़्यादा साथ देने वाला है। दोस्तों, बैटरी के बाद अब मैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के ऑडियो के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोनों ही फ़ोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, नोट 10 में भी और आईफोन 11 में भी। और दोनों ही फ़ोन में 3.5 mm का हेडफोन जैक मिसिंग है, तो आपको डोंगल यूज़ करना पड़ेगा या फिर ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, बैटरी के बाद अब बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक्स की। दोस्तों, बायोमेट्रिक्स के बारे में मैं आपको आईफोन 11 के बारे में बता दूं कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें बायोमेट्रिक्स के नाम पे आपको सिर्फ फेस आईडी देखने के लिए मिलेगा। इसमें इसके अलावे कोई भी बायोमेट्रिक देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं आपको नोट 10 में बायोमेट्रिक्स में आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ फेस आईडी भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, नोट 10 लाइट का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपको स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, और बहुत ही एक्यूरेट और फास्ट है। इनफैक्ट आपके हाथ में अगर जेल या पानी वगैरह कुछ भी लगा हुआ है तो भी ये इसे ओपन कर देता है। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छा है और फेस आईडी भी फास्ट है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको आईफोन 11 का बिल्ड क्वालिटी बता देता हूं कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। दोस्तों, आपको आईफोन 11 में फ्रंट एंड बैक बोथ साइड ग्लास डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही प्रीमियम और खूबसूरत दिखता है। और दोनों ही पैनल इसका गोरिल्ला ग्लास के साथ में प्रोटेक्टेड आता है, बट ये अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास इसमें यूज़ हुआ है। और अगर आप साइड में देखेंगे तो इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ किया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी में आईफोन 11 बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर मैं आपको नोट 10 का बिल्ड क्वालिटी बताऊं तो इसका भी फ्रंट और बैक दोनों ही ग्लास का यूज़ हुआ है, और फ्रंट एंड बैक बोथ साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली, इन दोनों ही फ़ोन में आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। ये दोनों फ़ोन IP68 सर्टिफाइड है। ये दोनों ही फ़ोन को आप बारिश में लेकर जा सकते हैं, आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का कुछ कंपैरिजन जो कि दोनों ही फ़ोन में दिया गया था। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ सैमसंग नोट के बारे में जो कि नोट को नोट सीरीज़ बनाता है और दूसरे स्मार्टफोन से अलग करता है, और वो है इसका एस पेन। दोस्तों, इसका एस पेन का जो फीचर्स है वो आपको किसी भी स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बहुत ही अलग फीचर्स है, और जिन लोगों को एस पेन का यूज़ करने का आदत हो गया, जो लोग एस पेन को यूज़ करना चाहते हैं या फिर जो लोग एस पेन यूज़ कर रहे हैं, वो इस फ़ोन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई भी दूसरा स्मार्टफोन खरीद लेंगे, वो नोट सीरीज ही परचेज करेंगे। दोस्तों, ये है इसका एस पेन जिसमें बहुत ही फीचर देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे पहला जो इसका फीचर्स है, आप जैसे ही इस पेन को बाहर निकालोगे, आप इसके स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नोट कर सकते हो। किसी से अगर फ़ोन पे आप बात कर रहे हो, वो अपना कुछ शेयर कर रहा है आपके साथ में, किसी का फ़ोन नंबर या कोई एड्रेस या कुछ भी, आप यहाँ पे कुछ भी नोट डाउन कर सकते हो और यहाँ से आप सेव कर सकते हो, ये सीधा आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ये तो था इसका एक फीचर्स, और इस एस पेन का बहुत सारा फीचर्स है जो कि आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो यही था दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन वाला वीडियो। अब आप शायद समझ चुके होंगे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा सही होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप फ्लेक्सी ड्रोन को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलता रहे, क्योंकि ऐसा कंपैरिजन वीडियो, अनबॉक्सिंग, रिव्यू मैं रेगुलरली लेकर आता ही रहता हूं।